अभी मैं हूँ श्री राम किशोर उपाध्याय सर के साथ में, जो कि आज के समारोह के मुख्य वक्ता रहे। बहुत ही ओजस्वी इनका हमने भाषण सुना, तो आप भी सुनिए। वनवास में उनके संघर्ष की कविताएं, और कविता क्या है ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल दो तीन पंक्तियां पढ़ूंगा। अरे घासरी रोटी ही जब वन मिलावड़ो ले भाग्यो, ना नौसो अमरियो चीख पड़ो राणारो सोयो दुख जागे। महाराणा प्रताप के बच्चे के अमर सिंह के हाथ से वन मिलाव रोटी लेकर भाग गया, ऐसी दुर्दशा महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप इतने दुखी हुए कि अकबर को पत्र लिखा कि अब मैं ये युद्ध सब छोड़कर तेरे पास आना चाहता हूँ, जब मेरे बच्चों के हाथ से दुनिया रोटी छीन कर ले जा रही हैं। और इन पंक्तियों को लिखने वाले हैं कवि कन्हैया लाल सिंह जी। पूरा देश रो पड़ता है हाय महाराणा प्रताप की क्या दुर्दशा। अब मैं आपसे प्रश्न साहित्य की भूमिका, अमृतकाल का अर्थ है कि अपने पुरानी पुरातन परंपराओं पर गर्व करें, भारत की मूल संस्कृति से जुड़े, भारत के गौ भारत के स्वभाव पहचाने, अपने महापुरुषों को सम्मान की दृष्टि से देखें, जिन्हें अंग्रेजों ने जिन्हें मुगलों ने सम्मान नहीं दिया उन्हें अब हम सम्मान दें, हम भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएं। लेकिन इसके लिए हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? ये मानसिकता होनी चाहिए कि महाराणा प्रताप के बच्चे के हाथ से दिल्ली रोटी छीन ले गई, तो प्रमाण यह है कि अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अर्थात जब महाराणा प्रताप में थे तो अमर सिंह की उम्र कोई 17-18 वर्ष की थी। पहली बात। दूसरी बात, रहीम खान खाना साहब को भेजा अकबर ने कि जाओ सेना लेकर महाराणा प्रताप को बंदी बना के लाओ। अमर सिंह को पता चला, अमर सिंह की टोली पहुंच गई, खान खाना साहब को बंदी बना लिया, सपरिवार उनके सैनिकों को भूख भुखाई थी और ले जाके महाराणा प्रताप के चरणों में डाल दिया। महाराणा प्रताप ने कहा, अमर सिंह तुमने इन्हें बंदी बनाया है तो ठीक किया, लेकिन इनके घर की स्त्रियों पर ससम्मान इनके घर बता करो, ये हमारे भारत की संस्कृति है। किसने बताया कि 18 साल की उम्र का 17 वर्ष का अमर सिंह जो मुगलों की सेना को बंदी बना लेता है, सैनिकों को मारकर रहीम खान खाना को बंदी बनाने का साहस रखने वाला हुआ वीर नौजवान उसके हाथ से बन मिला रोटी छीन कर ले गए। ऐसे कितने ही सिर्फ कन्हैया लाल हुए जिन्होंने अपने महापुरुषों का दैन्यपूर्ण चित्रण किया। इस अमृत काल में हमें इस विश्व को भी अपने साहित्य से विदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब होता है उसे लगता है मेरा जो नायक है वह भी गरीब है, भीतर से स्वाभिमान चलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं यक्षों में वसुओं में मनुष्यों में वृक्षों में, तब एक पंक्ति कही कि कवियों में मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, कवियों में मैं कुशना हूं, अर्थात मैं शुक्राचार्य हूं, मैं थोड़ी देर के लिए पढ़कर शांत हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, योग योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, त्रिलोकी त्रिलोकी के नाथ कह रहे हैं कि मैं शुक्राचार्य हूं कवियों में। शुक्राचार्य कौन? ये तो राक्षसों के गुरु हैं। तो राक्षसों के गुरु भगवान श्री कृष्ण इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? तब मुझे एक छोटी सी बात समझ में आई जो मैंने गुरुओं से सीखी। भगवान श्री कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी है। शुक्राचार्य का काव्य मृत संजीवनी वाला काव्य है। उस काव्य को सुनकर मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं, उस काव्य को सुनकर कायर भी युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं। मैं वो कवि हूँ जिसके काव्य को सुनकर मुर्दा भी जागृत हो गए। ये कहना है भगवान श्री कृष्ण। तो क्या हमारे काव्य में वह अग्नि है? हमारा ऋग्वेद यहीं से आरंभ हुआ ना, अग्नि नीरे पुरोहित, हम अग्नि को प्रणाम करते हैं। वह अग्नि वह उत्साह वह जोश हमारे पास भरा है, क्या वह है हमारे पास? क्या हम उसकी आराधना करते हैं? तो आज इस अमृत काल में साहित्य की उपाधि का इसलिए भी अधिक है क्योंकि देश को तोड़
बोलने वाली शक्तियों ने जो कथित साहित्य नैरेटिव करने के लिए, एजेंडा सेट करने के लिए लिखकर प्रचारित प्रसारित कर दिया है, उस साहित्य